मौसम राजा तक पहनते बा नहीं दिल बिकाबू मेहनत बा हाथ को नहीं छुनिया ऐसा कुछ नहीं तो बहुत तो मेहनत बा नहीं दिल बिकाबू मेहनत बा ये मौसम राजा तक पहनते बा नहीं दिल बिकाबू मेहनत बा वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ, एकदम भले चंगी हूँ। और आज हो गई हूँ तैयार, ये ब्लैक ड्रेस पहन के मैंने सब कुछ जो भी शाम का था, चाय मैंने पी लिया है, सब कुछ करके आप लोग देख ही चुके हो कि मैंने सब कुछ कर लिया है और हो गई हूँ रेडी और जा रही हूँ बर्थडे पार्टी में। प्रणव के फ्रेंड्स की पार्टी है, प्रणव के क्लासमेट की, तो वहाँ पर जा रही हूँ अपने अपार्टमेंट से बाहर, तो वहाँ पे चल के मैं आप लोगों से मिलूंगी और पार्टी आप लोग एंजॉय करिएगा। ब्लॉग में प्लीज़ बने रहिएगा, लाइक कमेंट शेयर करिएगा। चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, पूजा कॉर्नर ब्लॉग फैमिली का हिस्सा बनिएगा। तो गाइस मैं हो गई हूँ रेडी और प्रणव हो रहा है रेडी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना तब तक मैं शॉर्ट वीडियो बना लूँ, क्योंकि मुझे रील पे भी अपलोड करना है और मुझे यूट्यूब पे भी कल के लिए चाहिए था। तो मैंने सोचा कि चलो मैं रील को शूट कर लेती हूँ और तब तक वो भी हो जाएगा रेडी और तब हम चलेंगे। और ये उसके बाद जो क्लिप ऐड कर रही हूँ वो शाम को 5 बजे से ऐड कर रही हूँ, मतलब सो के उठने के बाद। तो चाय बनाऊँगी और उसके बाद जब मैंने क्लीनिंग किया, झाड़ू वाड़ू लगाया, उसके बाद तैयार होके फिर मैंने ना क्या किया कि चाय भी मुझे पीना था, क्योंकि मैं चाय नहीं पीती तो मेरे थोड़े से हेडेक हो जाता है, तो मैंने चाय भी बनाई है। और उसके बाद फिर क्या है ना कि मुझे स्किन पे भी थोड़ा सा कुछ अप्लाई करना था, तो वो मैंने अप्लाई किया। और थोड़ा सा मैंने सोचा कि क्यों ना स्किन की भी थोड़ी सी केयर जब भी टाइम मिलता है तब कर लेती हूँ, क्योंकि ऐसे तो टाइम मिलता नहीं है, तो इसलिए मैंने वहीं से ब्लॉग को स्टार्ट कर दिया था। तो ये देखिए हमारी चाय गर्मा गर्म बन गई है और दूंगी पतिदेव जी को दूंगी और उसके बाद मैं भी पीऊंगी, क्योंकि मैं तो बिल्कुल भी चाय के बिना नहीं रह सकती हूँ, तो उनको मैंने दे दिया और अब मैं पीऊंगी। और फ्रेंड्स आराध्या उठी नहीं, तो मैं क्या किया ना कि 15 मिनट इसको रखना था तो 10 मिनट तक हो गया, 5 मिनट और रखूँगी और उसके बाद मैं रेडी होना स्टार्ट करूँगी। और उसके बाद मैं ना थोड़ा सा फेस में वाटर डीप करूँगी, बर्फ़ वाटर लूँगी और उसमें बर्फ़ ऐड करूँगी और उसके बाद अपने चेहरे को ना थोड़ी देर के लिए 10 मिनट या 5 मिनट तक मैं उसको डीप करूँगी थोड़े थोड़े देर में। तो फ्रेंड्स मैंने ना यहाँ से ब्लॉग को स्टार्ट किया था, तो मैंने सोचा कि आप लोग डर ना जाओ, इसलिए मैंने वो वॉइस ओवर कर दिया है और मैं फिर वहाँ से स्टार्ट कर दी थी तैयार होने के बाद। वैसे मैं मजाक कर रही हूँ, आप लोग डरोगे नहीं, ये मुझे अच्छे से पता है, आप लोग बच्चे तो हो नहीं। तो 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 उठो उठो उठो। तो यहाँ पे मेरा 10 मिनट हो गया है और 5 मिनट क्या 5 मिनट बचा था, तो जैसे ही 15 से 20 मिनट होगा वैसे ही मैं इसको कर दूंगी रिमूव, क्योंकि वैसे मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है और मुझे वाटर में भी फिश को डीप करना है। तब तक मैं जो छोटे मोटे काम थे, नेल पॉलिश लगा लिया और कपड़े निकाल के रख दिए और अपने सैंडल निकाल के रख लिए, ये सब मैं काम कर ले रही थी, क्योंकि जब तक ये लगा हुआ है तब तक कुछ करना था नहीं, तो मैंने सोचा कि ये सब काम कर लूँ तो फालतू तो बैठना वैसे है नहीं, क्योंकि इतना टाइम ही कहाँ है कि फालतू बैठें। और यहाँ पर मैंने वाटर ले लिया है और उसमें मैं ऐड कर रही हूँ बर्फ़, और देखिए कैसे मेरा चेहरा ना चमकने वाला है, क्योंकि आज मैं अपने चमका चमका के चमका चमका के चेहरा भी क्या याद करेगा कि भाई ये कितना घिस रही है, पर घिसना तो पड़ेगा क्योंकि मैं इसको करके ही रहूँगी। और यहाँ पे देखिए मैं ऐड कर रही हूँ और मेरी पता है एकदम पूरी सांसें फूलने लगती हैं, ऐसा लगता है कि अब सांस नहीं लिया जाएगा, तब मैं निकाल देती हूँ फट से। और मतलब ज़्यादा देर रख नहीं सकते हो आप, लेकिन हाँ तब भी मैं कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा रखूँ और क्या आप मतलब 5 सेकेंड या 10 सेकेंड से ज़्यादा आप नहीं रख सकते हो, वैसे मैं ट्राई करती हूँ। और देखिए आप लोग खुद ही देख रहे होंगे कि चेहरे पे कितनी लाइट आ गई है, लाइट ब्राइट शाइनिंग सब आ गया है मेरे चेहरे को। और मैं इसके बाद तैयार होके आप लोगों से मिलूँगी और वहाँ चलूँगी। और क्या है ना कि प्रणव के कपड़े भी मैंने प्रेस नहीं किए थे तो वो भी मुझे करने थे, अपने भी कपड़े, मतलब वैसे प्रेस तो नहीं करना था लेकिन हाँ थोड़ा सा जाओ तो कहीं पर थोड़ा सा मार देना पड़ता है, तो वो मैं यहाँ पर प्रेस फटाफट से करूँगी। और उसके बाद क्या है ना कि आराध्या के लिए जैसे दूध बॉयल करके जाना
और चीज़ें मैं तब तक निपटा रही थी, जब तक ये कर रही थी तब तक बीच बीच में और भी चीज़ें मैं कर ले रही थी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही चीज़ पे कंसंट्रेट थी, क्योंकि काम जितने भी रहते हैं ना मैं फटाफट से करने की कोशिश करती हूँ। और हाँ, बीच में ही तो मैंने मशीन लगाई थी और कपड़े नहीं निकाले थे, तो मैं डालने का तो इतना टाइम नहीं था। फिर भी मैंने क्या किया ना कि निकाल के रख दिया, क्योंकि मशीन में ज़्यादा देर रख नहीं सकते हैं, नहीं रखना चाहिए। तो वहाँ मैं रख के उसके बाद अब चाय पी ली हूँ और अब बाद में आप लोगों से मिलूंगी। हम और प्रणव जा रहे हैं प्रणव के फ्रेंड्स की पार्टी में ना। प्रणव हाँ, इधर तो देखिए, प्रणव शर्माता है मेरा। अरे यहाँ पे एंट्री करना पड़ेगा ना। फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ प्रणव के फ्रेंड के यहाँ, जहाँ की पार्टी स्टार्ट हो गई है। बच्चे आ गए हैं, सब मस्ती करना स्टार्ट कर दिए हैं। तो आई होप आप सब इंजॉय करोगे, और प्लीज़ ब्लॉग को लास्ट तक देखना, क्योंकि काफ़ी सारी मस्ती होने वाली है बच्चों की। आप बोलो तो अच्छे से, प्रणव प्रणव सचे तो बोलो। रुको, कैंडल कैंडल तो कर दीजिए ना, कैंडल 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 रुको, कैंडल हाँ, वेट वेट हाँ, नहीं नहीं प्रणव 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 फायर, थोड़ा सा साइड रहना, कभी कभी ना फट, वेट वेट चलो कट करो। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर सिके, हैप्पी बर्थडे टू यू, मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, God bless you, dear Ishu. Happy birthday to you. Wait, wait. Hari Shu, khila. Khila, khila. Okay, one.
अपने छोटे बेटे को दिखाया। थर्ड में ये भी है ना, थर्ड सी दोनों सेम सेक्शन में।